Hi everyone, after long time we are going to make a video on weekly market updates. So दोस्तों अभी हो चुके हैं बहुत ही अभी टाइम बहुत ही है हमारे पास तो बनाएंगे वीडियो रेगुलर. तो सबसे पहले देखते हैं वीकली मार्केट अपडेट में क्या लग रहा है. सभी लोग पीछे पड़े हुए हैं PSE स्टॉक्स के पीछे, गवर्नमेंट स्टॉक्स जो बोलते हैं, राइट. एक टाइम था दोस्तों पीपल वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द PSE ये सेक्टर में, बट अभी लोग दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है. तो याद देखिए, कभी भी कोई भी सेक्टर को जज मत कीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में 2022 से पहले हम किसी को भी कहते थे तो कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहता था. अब 2022 के बाद हम कहते हैं कि ठीक है, अभी भी अच्छा ही है, सेक्टर पर एंट्री नहीं मिल रही है, तो उसके बावजूद भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. लोगों का पहला, जैसे ही अकाउंट ओपन होता है उनका पहला स्टॉक रेलवे सेक्टर से होता है. ज़्यादातर लोग RBNL या IRFC में ही इन्वेस्ट करते हैं. मान लो कि एक आधार कार्ड हो, राइट, आधार कार्ड की तरह ये पहले शेयर्स लोग खरीद लेते हैं. ऐसा नहीं करना दोस्तों. तो सेक्टर चेंज होता है, जहाँ से सेक्टर में तेज़ी की शुरुआत होती है वहीं से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हमें जो लग रहा है एज़ पर द चार्ट, तो देखते हैं FMCG सेक्टर. अभी FMCG सेक्टर को भी, ये सेक्टर को भी लोगों ने जज किया है. लोग कहते हैं कि इट मूव्स लाइक अ टर्टल. तो याद रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ टर्टल होती है वो कभी भी रैबिट बन सकती है, ओके, कभी भी उसमें स्पीड आ सकती है. ये स्टॉक्स है, कोई आदमी इंसान नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि FMCG सेक्टर में लाइफ टाइम, ये आप देख सकते हो ये वाली कैंडल, चलिए उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं. तो ये वाला जो लाइफ टाइम हाई उसने अभी ब्रेक कर दिया, और हमने देखा था 3rd और 4th June का जो तूफान आया था उसमें एक उभरता सितारा हमें मिला, एंड इट वॉज FMCG सेक्टर, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो उसने अप मूव दी तो तुरंत लोगों के ध्यान में आ गया, लेकिन आफ्टर दैट, सो फर्स्ट वी गॉट द ब्रेकआउट एंड लेटर लास्ट वीक में इट टूक द रिएक्शन. तो हम ऑलवेज हर वीडियो में कहते हैं कि ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन आना ज़रूरी है, यानी क्लोज नीचे आना. अभी नेक्स्ट वीक में देखना है कि ये कैंडल का हाई या ये कैंडल का हाई एक्शन, इसे हम एक्शन कैंडल कहते हैं, ग्रीन कैंडल या ब्रेकआउट कैंडल. तो ब्रेकआउट कैंडल और रिएक्शन कैंडल दोनों में से किसका हाई ज़्यादा है, हायर है, तो यहाँ पे देखते हैं एक्शन कैंडल का हाई. तो FMCG सेक्टर अगर 5882.65 ब्रेक होता है तो अप मूव आ सकती है. स्टॉप लॉस ऑलवेज रिएक्शन का लो रखना है, पर ये एजुकेशनल पर्पस है दोस्तों. उसके बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, FMCG इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, दोस्तों बता दूं कि हम ह्यूमन जो है उनके थोड़े लिमिटेशन है, मेरा तो है लिमिटेशन कि टारगेट पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है. इसीलिए हम स्टॉप लॉस एवरी वीक के लो से, एवरी जैसे ही कैंडल ख़त्म होती है एवरी वीक हम प्रीवियस कैंडल के लो से स्टॉप लॉस चेंज करते जाएंगे, राइट. फिर भी अगर आपको कुछ ऊपर ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं, मार्केट के लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है. फिर भी यहाँ तक आने की उम्मीद है ऐसा हम कह सकते हैं, राइट. अप्रोक्सीमेटली आ सकता है, उसके बाद उसको तोड़ भी सकता है, वापस फोड़ भी सकता है, यानी कि जिगजैग भी कर सकता है, राइट. ये चीज़ हमने देखी थी कि हम ये ज़्यादातर ये सब लाइन में बिलीव नहीं करते हैं कि ये चीज़ आप देख लो इलेक्शन के वीक में क्या हुआ था. एक चैनल ड्रॉ करके रखी थी, उस चैनल का तो इन लोगों ने अंतिम संस्कार यहाँ पे हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है ये वाली कैंडल में. पहले चैनल के बाहर गया फिर ऊपर गया. अभी देखने जाए तो ये हैमर का हाई टूट चुका है, राइट. कई लोग कहते हैं इसे बॉटम में होना चाहिए, राइट. कई लोग कहते हैं टॉप पर है तो ये अच्छी बात नहीं है. देखो एक सिंपल चीज़ है, एक कैंडल पे देखते हैं निफ्टी में, तो एक सिंपल चीज़ है कि हमें दिख रही है कि लोअर शैडो लंबा है, यानी सिंपल चीज़ है कि वहाँ पर बाइंग हो चुकी है, राइट. उसका प्लेस कोई भी हो, टॉप पे हो या बॉटम पे हो, ऐसा मेरा मानना है, राइट. सो ये हो गया FMCG के बारे में बता दिया मैंने. अभी ये निफ्टी में है अभी फिलहाल, तो FMCG में ध्यान रख सकते हैं, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अभी चलिए देखते हैं स्टॉक्स की बात करें तो मुझे दो स्टॉक्स और अच्छे लग रहे हैं जिसमें लोगों ने बहुत ही मेरे हिसाब से तो अंडररेटेड है, देखते हैं लोगों को पसंद भी नहीं है. डाबर इंडिया, हम जब भी डाबर इंडिया की बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ही कहाँ फंस गए हम, ओके. तो दोस्तों हर शेयर पहले ऐसा ही होता है, आप IRFC देख लीजिएगा. IRFC जिन लोगों के पास था 24 रुपीज़ में, उनको 6-6 महीने 1-1 साल तक वेट किया था. इसीलिए हम कहते हैं कि वेट मत करो, राइट टाइम पे खरीदो. वेट करने में क्या होता है, आप थक जाते हो और फिर फाइनली स्टॉक से एग्जिट कर देते हो. चलिए देखते हैं IRFC. IRFC में आप ये सब एरिया देखोगे तो कोई भी बंदा यहाँ पे बोर हो जाएगा, ठीक है. एक्चुअली वी डोंट ट्रेड फॉर एंटरटेनमेंट,
पर फिर भी ठीक है, वो हम बोर हो जाते हैं। ओके, और फिर ये एरिया देख सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि हर स्टॉक स्लो हो सकता है, कोई भी स्टॉक, जैसे रिलायंस, तो रिलायंस भी अभी इट्स लाइक अ टर्टल राइट, बट कभी भी वो उसमें स्टीम आ सकती है और इट कैन फायर राइट। तो चलिए देखते हैं, अभी वापस अपने शेयर पे जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का एक फीचर है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड आप प्रेस करोगे तो आप बैक चले जाओगे राइट। ये इसमें, ये सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है राइट। तो चलिए डाबर, हर सॉफ्टवेयर में, हर चैटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं आती है। नॉर्मल, ये नॉर्मल एक हमको पता ही है कंट्रोल जेड। अभी हम देखते हैं कि ब्रेकआउट, ये आप देख सकते हो कि ये जो टॉप है वो टूटा है, एक्चुअली परफेक्ट ब्रेकआउट ये हाई के ऊपर है 643.80। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हम पहले एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं राइट, ऐसे यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं ये वाले एरिया में। ओके, हमने ये टॉप और ये टॉप इसलिए कैच किया है कि वो उस दोनों के बीच में एक बॉटम है ये वाला, तो वो ब्रेक हो चुका है, तो अभी ये टॉप माना जाएगा। ये ब्रेक हो चुका है और लास्ट वीक में हम देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका क्लोज, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज था ऊपर, आपको यहाँ पे दिखेगा इट वॉज 613.10 और इसका क्लोज है 608 राइट। अभी दोनों में से कौन सा हाई हायर है, तो ये वाली कैंडल का राइट। ये ब्रेक होता है तो अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एंड वन मोर स्टॉक इज दैट देयर एंड इट इज कॉलपाल, दोनों टूथपेस्ट चैंपियन है, देखते हैं। चलिए टूथपेस्ट में बेस्ट सेलर है, हो सकता है टूथपेस्ट सेक्टर लोग बोले कि टूथपेस्ट सेक्टर में दीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी एक दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट है सिंपल, फिर यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। अभी नेक्स्ट वीक में 3069.05 अगर ब्रेक होता है तो अच्छी मूवमेंट आ सकती है राइट। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक सिंपल चीज़ है, ये वाली जो बड़ी कैंडल है उसका हाई लो कुछ अभी ब्रेक भी नहीं किया है, तो ये इससे पहले तो ये पड़ाव पार करना पड़ेगा। निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है, पर अभी आने वाले टाइम पे हमें लग रहा है कि इसमें अच्छी तेज़ी आएगी। ऑटो सेक्टर तो स्मूथली मूव हो रहा है, स्मॉल कैप में तो ब्रेकआउट आ ही चुका है ऑलरेडी हैमर के बाद। PSE सेक्टर में सेम बैंक निफ्टी जैसी हालत है फिलहाल के लिए। मेटल जो है उसमें भी वही है, मेटल भी मेंटल है अभी फिलहाल। फिर देखते हैं मिड कैप, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी बढ़त दिखेगी, स्मूथ मूवमेंट आ रही है। लेकिन ब्रेकआउट FMCG शेयर्स में अच्छा लग रहा है। ऑयल एंड गैस भी सेम बैंक निफ्टी जैसी पैटर्न है, निफ्टी 500 ऊपर। CN निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की हालत तो बैंक निफ्टी का रिफ्लेक्शन ही है। CNX रियलिटी सेक्टर की बात करें तो मंथली चार्ट बहुत लंबा ब्रेकआउट आया है, आगे में हमने बताया था एक वीडियो में। चलिए देखते हैं, इतना बड़ा ब्रेकआउट अभी तो देखते हैं आया भी नहीं है, ये तो बहुत दूर है। ओके, बट फिलहाल देखें तो वो जब ब्रेक होगा तब तो अच्छी खासी मूवमेंट आएगी, बहुत ही दूर है अभी फिलहाल तो। लेकिन DLF जो है उसमें उतना दूर नहीं है, वो वाला पुराना टॉप ये वाला, ठीक है, वो ब्रेक होने दीजिए फिर देख राइट। अभी चलते हैं फार्मा सेक्टर में। फार्मा आपको दिख रहा है कि कोई टेंशन है नहीं और मूविंग अप, निफ्टी देख लिया, FMCG। IT सेक्टर जो है उसमें शायद ठीक है, मूवमेंट आ सकती है क्योंकि उसमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये टॉप कैच किया है ठीक है, तो अगर ये हाई ब्रेक होता है 3524.8.10, देन IT सेक्टर में भी अच्छी बढ़त आने की गुंजाइश है दोस्तों। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, पहले 3 और 4 जून के बीच में फंसे थे, 4 जून जो था उसको बहुत लोगों ने वो कर दिया था कि ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा मत करो दोस्तों। कई लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर में इतना पैसा लगा दिया लिमिट से ऊपर। जब भी मार्केट बढ़ता है तो ट्रेडिंग प्लान काम आता है, और जब भी मार्केट गिरता है तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट आपको काम आता है। अभी आ जाएगा बजट, जुलाई में बजट है, तो उस पर फोकस मत करो, आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करो राइट। ओके, तो कोई टेंशन होता नहीं है। स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस वाली मेथड फॉलो करें, और इन्वेस्टमेंट करना है तो एक्चुअली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो PMS मेथड फॉलो करते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं, सीखना हो तो कमेंट कर दीजिएगा राइट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक्स जो है उसको ध्यान से देखना है, कोई टेंशन है नहीं, पर स्टॉक्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है राइट। तो यहाँ पे आपको निफ्टी IT जो है उसमें तो अभी देर है, तो देखते हैं वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीक में आपको मंडे तो रेस्ट है, आराम कीजिएगा दोस्तों। ओके, एज गिफ्ट निफ्टी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नॉट एडवाइजेबल, देख के भी कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। ओके, सो ये FMCG सेक्टर में देखते हैं क्या होता है, और अपवर्ड चैनल में ही चल रहा है, वैसे कोई टेंशन की बात इसमें दिख नहीं रही है। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम है, टेंशन जो है, और प्रॉब्लम जो है वो इट लाइज इन अवर माइंड कि FMCG सेक्टर से नफरत करते हैं। पर
और हम जो सेट्स में ब्रेकआउट दिख रहे हैं तो उसे छोड़ के फिर आईटीसी के पीछे भाग जाते हैं। राइट, आईटीसी में भी है रिएक्शन, यानी एक क्लोज नीचे दिया है तो आईटीसी को 441.65 ब्रेक करना पड़ेगा। टाटा कंज्यूमर भी देख लेते हैं साथ में। ठीक है, ताकि ये दो कॉलगेट पामोली और डाबर, वो दोनों पे ध्यान रख सकते हैं। तो आज इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप।